Hello everyone, I am Anurag Sir and today I am gonna explain you all class 8 English reader lesson number 10 children who are wanted every hour. So, let's start. In the first paragraph, children of spirit, children of will, children of muscle, brain, and power, fit to cope with anything, these are wanted every hour. फ़र्स्ट पैराग्राफ का मतलब है कि ऐसे चिल्ड्रेन जिनमें फीलिंग्स होती है और ऐसे चिल्ड्रन्स का विल बहुत ही स्ट्रोंग होता है इन चिल्ड्रेंस के बाज़ू बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इनका ब्रेन बहुत ही शार्प माइंडेड होता है और इनमें बहुत शक्ति होती है और ये किसी भी तरह की कठिनाई के साथ डील करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं तो ऐसे चिल्ड्रेन अपने लिए हर समय चाहते हैं एज़ फोर्थ लाइन इट सीज दैट दीज आर वॉन्टेड एवरी आर इसका मतलब है कि ऐसे बच्चे अपने हर समय को अपने लिए प्रयोग करना चाहते हैं सेकेंड पैराग्राफ नॉट द वीक एंड वाइनिंग ड्रोन्स हु आर ट्रबल्स मैग्नीफाई नर द वॉच वर्ड ऑफ आई कांट बट द नोबलर वन आई विल ट्राई इस पैराग्राफ का मतलब है कि ना तो ये कमज़ोर होते हैं और ना तो कंप्लेन करने वाले और ना ही उन लोगों में से जो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को बहुत ही बड़ा बताते हैं इन्हें कोई भी काम दिया जाए तो ये कभी भी उसे करने के लिए मना नहीं करते और ना ही ऐसा कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता और भले ही वो काम इनसे ना हो पाए पर फिर भी ये कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा ईजी लैंग्वेज में कहा जाए तो अगर किसी बच्चे को कोई काम दिया जाता है भले ही वो उसे परफेक्टली ना कर पाए पर वह उसे करने से कभी मना नहीं करता और वो हमेशा यही कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट पैराग्राफ डू वॉट एवर यू हैव टू डू विद अ ट्रू एंड अर्नेस्ट जील बैंड योर टू द टास्क डू इट विद एन ऑनेस्ट विल देखिए इस पैराग्राफ का मतलब है कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं तो आप उस कार्य को अपने सच्चे और गंभीर एनर्जी के साथ करें अगर आप अपने कार्य को सीरियसली नहीं लेंगे तो वह कभी भी अच्छे से नहीं होगा अपने कार्य को करने के लिए आप अपने शरीर की सारी ऊर्जा को लगा दीजिए और अपने कार्य को आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा भाव के साथ करें क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कर्म ही आपका ईश्वर है और एक व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से ही होती है लास्ट पैराग्राफ इन द वर्कशॉप ऑन द फार्म एट द डेस्क वेयर एवर यू बी फ्रॉम योर फ्यूचर एफर्ट चिल्ड्रेन नेशंस डेस्टिनी इस लास्ट पैराग्राफ का मतलब है कि आप चाहे वर्कशॉप में हो चाहे किसी फार्म में चाहे किसी डेस्क में बैठे हो या फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो तो आपके राष्ट्र की किस्मत या कहा जाए तो आपके देश की किस्मत आपके भविष्य में मेहनत करने में ही छिपी है आसान भाषा में किसी भी देश की बागडोर व किस्मत वहाँ के नौजवानों के हाथों में ही होती है ये नौजवान जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उनका देश उतना ही ज़्यादा तरक्की करता जाएगा और सफलता के शिखर को छुएगा इसलिए आप अपने देश के हित के लिए जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं करें सो दिस वॉज द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू चैप्टर टिल नाउ टेक केयर गुड डे